तमिलनाडु विच 14 सफाई कर्मचारियों की नौकरी वास्ते 4,000 अर्जियां आईया, जिन्हों विचों MBA ते इंजीनियर भी शामिल हैं। एक काफ़ी बार ये तस्वीर साढ़े सामने आ चुकी है ते ये भारत की जो रोज़गारी की काली तस्वीर है उसनों दर्शाती है ते साडा सियासतदान इस तो मूँह फेरना चाहता है। अज की सरकार आई तो इस वादे नाल सी कि आने वाले समय में भारत में विकास के मार्ग पर लेके जाएंगे ते हर साल 2 करोड़ नौकरियां लियांगे, पर अज की तस्वीर बहुत माड़ी है। असी हाल में वेख्या प्रधानमंत्री मोदी ने 10वीं 12वीं के बच्चों नू अपने कोल घंटिया पढ़ाई छड़ के बुलाया तो उन्होंने नसीहत दी किस तरह इम्तिहान देने हैं ताकि उन्होंने तनाव ना होए ताकि उन्होंने अंकड़े वधियां। पर एक काम मनोविज्ञानिका का है, अध्यापका का है, माँ बाप का है, जो बच्चे बचपन तो ही सिखाते लियाते हैं तो वो इस पड़ाव वास्ते तैयार होंगे 10वीं 12वीं के इम्तिहान किस तरह देने हैं। आज साडे सिक्ख्या सिस्टम में इन्नियां तब्दीलियां आ चुकियां कि वह बच्चों उन्होंने कमजोरी को ध्यान में रखते उन्होंने बहुत सुधार लिया गया, उस वास्ते बहुत चंगी तब्दीलियां आ चुकी हैं। जो असल में काम तनाव है, बच्चे जो 10वीं 12वीं में तनाव महसूस करते हुए आंकड़िया करके नहीं हैं, वो उन्होंने आंकड़िया के आने तो बाद जिंदगी के इम्तिहान का है। बच्चे ये तस्वीर समझते हैं कि भारत की हकीकत की है। हर रोज़ बच्चों माँ बाप कहते हैं चंगे नंबर लियाने बहुत जरूरी हैं, नहीं तो तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। चंगे नंबर हूँ 70-80% 90% भी नहीं रहे। चंगे नंबर का जो म्यार है वह बहुत उच्चा हो चुका है, जो एक बच्चे वास्ते वो अपने सिर पर जिम्मेदारी लेना वो बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चा जानता है जे मेरे नंबर उन्हें वधिया ना आए तो मैं एक सरकारी कॉलेज एडमिशन नहीं मिलेगी या चंगे कॉलेज एडमिशन नहीं मिलेगी। मेरे माँ बाप को अपनी जमा पूंजी खर्च के मैं एक निजी कॉलेज में पाना पेगा। निजी कॉलेज भी एक उद्योग बन गए हैं और ये भी सरकार की कमजोरी है कि सिक्ख्या वास्ते माँ बाप को कितना पैसा खर्चना पैंदा है। इस सब के खर्चे करन दे बाद भी जब बच्चा एक डिग्री लैंदा है, भावें वह MBA की होवे भावें वह इंजीनियर होए या कुछ भी होए, वो नौकरी नहीं मिल पाता तो वह फिर या लेबर चौंक पर बैठा होता है या इस तरह चपड़ासी की या सेवादार की या सफाई कर्मचारी की नौकरी वास्ते लभ रहा होता है। तो ये जो तस्वीर है इस कारण तनाव है तो सियासतदान ये जानते भी हैं। हाल में सरकार ने एक रिपोर्ट सामने नहीं आन दी जो कि जनतक करन तो रोक रहे हैं, जिसने सिद्ध किया है कि भारत में अज के दिन पिछले 45 साल तो सब तो वध बेरोज़गारी है। नोटबंदी तो बाद 2 करोड़ नौकरियां गवाईया गई हैं। जिस सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां हर साल वधानियां सी वो आज इस आंकड़े पर बैठी है कि नौकरियां कट रही हैं। जो सियासतदान अपनी जिम्मेदारी विच अपने काम करन विच अपने वादे नूं निभाण विच फेल हो चुके हैं, वो बच्चों नसीहत क्यों दे रहे हैं? जो अपना काम करन ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਕਣ।